हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और जैसे मैंने पुरानी वीडियो में वादा किया था कि मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा ये जो मैंने फॉग लैंप लगाए हुए हैं, इनका आज रिव्यू पूरा भी दूंगा और ये बताऊंगा कि आप इसको कैसे लगा सकते। तो गाइस जैसा आप जानते हैं कि आ गई सर्दी और सर्दी के मौसम में काफ़ी कोहरा और धुंध होता है, तो उसके वजह से का कुछ दिखाई नहीं देता। इस वजह से मैंने इसमें जो है ये आउल टाइप्स की जो HJG की लाइट होती है वो लगाई है। और ये मुझे पड़ी है लगभग 1100 रुपये की, दोनों 250 रुपये उसने लगवाने के लिए लिए, 50 रुपये का सामान लग गया, 50 रुपये का मतलब जो स्विच होता है, जो तार होता है एक्स्ट्रा लगता है वो सब लग गया, तो लगभग लगभग 1400 की ये पड़ गई। और लेकिन लाइट बहुत इनकी अच्छी है, ये जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पहले इसके जगह पे ये यहाँ पे ये वो लगा हुआ था जो रिफ्लेक्टर नहीं होता ऑरेंज कलर का, तो वो रिफ्लेक्टर वैसे भी किसी काम का नहीं था। मैंने सोचा कि कुछ प्रोटेक्टिव ही लगवा देते हैं उसकी जगह पे। पहले मेरा इरादा था मैं यहाँ पे लगाऊंगा, फिर उसके लिए क्लैंप उसमें लगाने पड़ते और काफ़ी झंझट हो जाती, तो उसने यहीं लगा दिया। पहले मैंने सोचा कि कहीं एंगल का दिक्कत ना आए, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत खास आ नहीं रही। तो अभी जो है ये बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। और यहाँ से जो तार है ये अंदर से ऊपर लेके गए हैं, फिर इसमें इसमें इसकी जो DRL होती है उसके एक मॉड्यूल को लेके उससे कनेक्ट किया गया है, और एक स्विच हमने इसमें अंदर की तरफ दे दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये 3-way स्विच है, ये बीच में क्लोज होता है, नीचे वाइट होता है, ऊपर गोल्डन होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे स्विच दिया गया है, और एक्टिवा चूंकि डायरेक्ट होती है तो ज़्यादा प्रॉब्लम उनको आई नहीं। तो वैसे तो ये काम मैं खुद भी कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि ये काम बिल्कुल खुद नहीं करना चाहिए। वैसे तो मुझे करना आता है और मैं कर भी सकता था, लेकिन बहुत हेडेक वाला काम होता है यार। मतलब कि जो बंदा नहीं करता ना उसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, और मतलब कि 3-4 घंटे भी इसमें जा सकते हैं। उस बंदे ने आधे घंटे में सब कुछ कर दिया, मतलब लगा भी दिया, स्विच भी लगा दिया, ये भी लगा दिया। तो ये मैं नहीं कर सकता था, ये वही कर सकते थे, इसलिए मैंने इनको उन्हीं से लगवाया। और आपको भी अगर लगवाना है तो प्लीज़ मेरा रिकमेंडेशन यही होगा कि आप उनसे लगवाइएगा। इग्निशन मैंने ऑन कर दिया है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि हेडलाइट ऑन है। और यहाँ से अब मैं एक बार नीचे इसको करूँगा, तो ये ऊपर कर दिया मैंने, और ये आप देख सकते हैं भाई बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस, मतलब कि ये कैमरे पे तो अभी आ भी नहीं रही होगी, मैं नाइट की शॉट बाद में डाल दूँगा। एक तो लुक बहुत इसके प्रीमियम है, ये ऊपर से है और ये नीचे से है, और दोनों में ही से ही आती है रोशनी, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये है इसका वाइट वाला, और वाइट वाला भी बहुत पावरफुल है, मतलब लिटरली आप देख सकते हैं एकदम अंधा कर दे रहा है, इतना ज़्यादा पावरफुल है। बस इनके साथ आपको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा कि इसको जला के कोई भूल ना जाए, क्योंकि अगर कोई भूल गया जिसको जला के तो बहुत जल्दी बैटरी डाउन कर देगी। और जैसा कि आप नोटिस कर रहे होंगे आगे वाला जो बिडिंग होती है वो मैंने हटा दी, वो इसलिए क्योंकि ये लड़ रही थी। और उसको लगाने का एक तरीका है भाई, उसको यहाँ से कटवा दिया जाए तो था कि थोड़ा सा आगे हो जाए, तो उसकी वजह से हम लोग आसानी से उसको लगा पाएंगे, वरना उसको लगाने में थोड़ी दिक्कत आ रही क्योंकि उससे लड़ रहा है, और लड़ेगा तो ऑफ कोर्स परेशान करेगा वो उसको, और एंगल भी उसका इतना अच्छे से नहीं आएगा। अभी मैं इसका एंगल आपको दीवार पर दिखाता हूँ कैसा आ रहा है। ये है उसका लुक, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये है इसकी हाई बीम, ये दिन में सोचिए इतनी दिखाई दे रही है, तो रात में तो क्या ही आतंक मचा देती होगी। अगर आपको ये लाइटें लेनी है तो मैं इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाकर ले सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन हमेशा महंगी पड़ेगी। इनको टायर पर लगाने का एक ये भी मकसद था कि जब मैं हैंडल मोड़ूँ तब ये लाइटें जो है आराम से मुड़ जाए और उस डायरेक्शन में दिखाएं जिसमें मुझे जाना है। अगर मैं यहाँ पर लगा सकता था, यहाँ पर मैंने लगाने के लिए कहा था उससे, तो उसने कहा कि ये प्लास्टिक है और प्लास्टिक जो है जब चलेगी तो वो हिलेगा, और हिलेगा तो वो बार बार ख़राब करेगा विजन। तो मैंने सोचा कि चलो उसी की बात सुन लेते हैं, और नीचे मैंने लगवा दिया। एक ऑप्शन यहाँ पे था, एक ऑप्शन यहाँ पे था कि भाई इसमें लगाया जाए, लेकिन मैं अक्सर इसको खोलता रहता हूँ तो उसकी वजह से मुझे इसको भी काफ़ी कई बार छेड़ना पड़ जाता है। मैं वो भी नहीं चाहता था कि मेरा एंगल बार बार बिगड़े, तो मैंने वहाँ भी नहीं लगाया, मैंने यहाँ भी नहीं लगाया, और यहाँ पर मुझे एकदम करेक्ट महसूस हुआ इसलिए मैंने इसको लगाया। HJG एक बहुत ही रिकॉग्नाइज ब्रांड है और इसी की ही लेनी चाहिए। आपको इसकी कॉपी भी मिलती है, वो अलग अलग कंपनियों की होती है, उनको बिल्कुल मत लीजिएगा, उनकी ब्राइटनेस बहुत कम होती है, और वो कहने को तो बस आउल वाली लाइट होती है लेकिन वो नकली होती है। एक बार मैं इसका इसके स्विच की भी आपको पोजीशन दिखा देता हूँ। ये बस उसने यहाँ पे पेंचकस से एक होल कर दिया, और होल करने के बाद इस स्विच के वायर्स को इसके अंदर से डाल दिया, और ये बस ऐसे डैंगलिंग है। डैंगलिंग से ये फायदा है कि मान लीजिए आपको कोई सामान वामान रखना है तो आप इसको इधर उधर करके आप आराम से सामान भी रख सकते हैं वैसे। और पीछे से उसने गांठ बांध दी है, मतलब जैसे ये तार पीछे गया तो पीछे इसके गांठ बांध दिए ताकि ये यहाँ से तो ना हिले, और ये बहुत ही उसने अच्छा कर दिया। और यही छोटे छोटे फायदे होते हैं एक एक्सपर्ट से करवाने के। वैसे तो ये इन लोगों को काफ़ी जल्दीबाजी होती है, और उसके चक्कर में ये लोग कई बार आपका जो तार वगैरह होते हैं उसको बहुत ही अच्छे से क्या नाम है टेप नहीं करते, जिसकी वजह से कई बार शॉर्ट सर्किट हो जाता है। मेरी गाड़ी में इतना काम हुआ है, इतना मतलब कि मॉडिफिकेशन हो चुकी है कि अब मुझे नहीं लगता कि मैं इसको कभी धुल पाऊंगा। धुलने का मतलब कि जब पानी पानी लोग बर्बाद करके धुलते हैं। वैसे तो अगर इसको साफ़ करना हो तो आप स्प्रे बॉटल खरीद सकते हैं, तो उसके बाद इस पर स्प्रे कर करके इसको साफ़ कर सकते हैं, बिल्कुल उतनी ही क्लीन होती है उस। ऐसा नहीं है कि धुलने से बहुत ज़्यादा क्लीन हो जाती हो,
और इसमें मैंने हीटर ग्रिप्स भी लगा रखी है, तो इसका भी वीडियो आ चुका है, अगर आपको देखना है तो आपको इसका लिंक आई बटन में देखने को मिल जाएगा। बहुत मज़ेदार ये भी चीज़ है। अब मेरी स्कूटी हो चुकी है विंटर रेडी, और अगर आपको इसको और भी विंटर रेडी करना है तो बस एक स्क्रीन होती है जो क्या नाम है बाइकर वाली होती है, जो इसके ऊपर लगती है, वो आप लगा सकते हैं, जिसकी वजह से आपके ऊपर जो एयर आती है वो भी नहीं आनी बंद हो जाएगी। अब एक बार मैं रात में इसका एक व्यू आपको दिखा दूंगा कि ये कैसी दिखती है रात में, और रात में इसका कैसा परफॉर्मेंस है। तो गाइज अब हम आ गए काफ़ी एक अंधेरे इलाके में, और ये आप देख सकते हैं कि अभी सिर्फ इसके लिए एक लाइट ही जल रही है और फॉग लैंप अभी नहीं जले। अब फॉग लैंप का भी मैं आपको तुरंत दिखा देता हूँ फटाफट। ये इसका फॉग लैंप, डिसेंट विजिबिलिटी है, मतलब अब फॉग में कितना काम करेगा ये तो मेरे को नहीं पता। और ये है इसका हाई लैंप, और ये है बंद कंडीशन में, और ये है फॉग लैंप, और ये है हाई बीम। काफ़ी इफेक्टिव है जैसे कि आप देख सकते हैं, और ओरिजिनल भी इसकी काफ़ी अच्छी है। और अगर आपको जैसे बहुत बड़ा एरिया चाहिए, आप कोई टूरिंग वूरिंग पे जा रहे हैं, तो आप वो 4 LEDs वाली लगा सकते हैं जिसमें काफ़ी फैल जाता है, वरना ये काफ़ी रहता है, एनफ होता है। मैंने सोचा कि थोड़ा सा एक रनिंग शॉट भी दिखा देते हैं आपको, कैसा लगता है और कैसा फील होता है। तो ये है इसकी हाई बीम पे, और अभी स्कूटी की हेडलाइट जली हुई है तो वो आप देख सकते हैं, और स्कूटी की हेडलाइट में बंद नहीं कर सकता। ये है इसकी लो बीम का परफॉर्मेंस, जैसा कि आप देख सकते हैं पास में तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन दूर में थोड़ा जैसे कमी हो जाती है, और वो तो होना भी है क्योंकि फॉग लाइट इसलिए बनी होती है। और जैसे आप चाहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा एरिया कवर करें, तो एक वो वाली फॉग लाइट आती है जिसमें आप कवर हटा सकते हैं फिर निकाल सकते हैं, तो वो वाली हेडलाइट ज़्यादा बेटर रहती है अगर आपको ऐसा करना है। यहाँ पे आपको और अच्छे समझ में आएगा, ये गाड़ी की लो बीम है, ये हाई बीम है, और अब ये इसकी हाई बीम है और लो बीम है, तो आपको फ़र्क समझ में आ गया होगा कितना ज़्यादा फ़र्क है। यहाँ देख सकते हैं काफ़ी फॉग है इस समय, और इस लाइट की विजिबिलिटी मैं आपको अभी आपको दिखाता हूँ। ये मैंने ये ऑन कर दी और ये ऑफ है, तो कुछ खास फ़र्क नहीं है। सुबह के टाइम जैसे आप देख सकते हैं काफ़ी कोहरा है, लेकिन इतना कोई खास फ़र्क दिख नहीं रहा है। अब इसको सामने से देखते हैं, दूर से लुक कुछ इस तरीके का है फॉग में, और ये है कुछ इसके हाई बीम का लुक। इसकी हाई बीम इतनी ज़्यादा ब्राइट है कि सामने वाले को तो अंधा ही कर देगी, मतलब वो आपको देखने में तो कभी गलती नहीं करेगा, लेकिन शायद आपको उतना कुछ ना दिखे। तो गाइस आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और जैसा कि मैंने कहा बहुत ही बेहतरीन लाइट है, लेकिन सुबह के टाइम उतना ज़्यादा काम नहीं कर रही, जैसे सुबह फॉग था और फॉग में मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगी, तो वैसा कुछ मुझे नहीं दिखाई दिया। अगर सुबह का टाइम है तो उतना अच्छा नहीं काम कर रही, रात का टाइम है तो ज़्यादा अच्छा काम कर रही है, तो उतना तो अच्छा नहीं किया जितना मैंने सोचा था और जिस पर्पज़ के लिए मैंने इसको लगाया था, अफसोस वो तो इसने पूरा नहीं किया। और ये वीडियो मैंने काफ़ी पहले बना ली थी, लेकिन मैंने सोचा जिस दिन फॉग होगा, जिस दिन आपको सच में दिखा पाऊंगा कि कितनी इफेक्टिव है, उस दिन मैं इसको अपलोड करूंगा। और इन लाइट्स का मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको खरीदना है तो आप वहाँ जाकर खरीद सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन लाइट है, लेकिन जब रोशनी की आपको ज़रूरत हो और नॉर्मल कंडीशन में, तब ये ज़्यादा बेटर काम करती है, वरना जो फॉग लाइट स्पेशली आती हैं वो ज़्यादा मेरे ख्याल से बेटर काम कर पाएंगी, और बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी वाली लाइट लेनी पड़ेगी इस मौसम में काम करने के लिए। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आई आपको पसंद, अगर पसंद आई तो उसको प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद। We'll be right back.